जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के लोगों ने चक्रैत शब्द अवश्य सुना होगा और नेपाल के लोगों ने बलकारा। आज इसी बारे में चर्चा करूंगा। चक्रैत शब्द को सुनते ही मन में एक भाव आता है कि यदि हम किसी को चक्रैत कहें तो इसका मतलब वह चुगलखोर होगा या मजाकिया किस्म का आदमी होगा, विदूषक होगा, जोकर होगा या यानी कॉमेडियन जैसा होगा। और यही भाव नेपाल के जो बलकरा शब्द है उसको लेकर भी होता है। परंतु कुछ सदियों पहले तक इन शब्दों का कुछ और ही अर्थ था। संभवतः आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदली, नए शब्द आए, हम उन शब्दों को भूलते चले गए या उन शब्दों का भाव बदल गया। तो ये जो चक्रैत शब्द है इसका भी भाव इसी तरह बदल गया। ये जो मैं आगे कुछ बोलने जा रहा हूं, ये जो अपनी वीडियो में, उसका आधार उत्तराखंड की इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण और डॉक्टर शिव प्रसाद मैथानी समेत कई इनकी जो पुस्तकें तथा और भी कई पुस्तकें हैं। मैं रेफरेंस इसलिए देता हूं कि आप लोगों को ये न लगे कि ये मेरी सब मनगढ़ंत कथाएं हैं। मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि उन पुस्तकों का या उन लेखकों का मैं उद्धरण दे दूं, उनका उल्लेख कर दूं जिनके आधार पर यह वीडियो बनती है। तो अब बात करते हैं चक्रैत शब्द की। बात शुरू करते हैं गढ़वाल से और फिर उसके बाद कुमाऊं और नेपाल की तरफ चलेंगे। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने अपनी एक पुस्तक की भूमिका में लिखा था और यह संभवतः 1973 में लिखा गया था। उन्होंने लिखा था कि श्रीनगर, गढ़वाल और अल्मोड़ा में अनेक ऐसे जाति प्रसिद्ध खानदान हुए हैं जो पंवार या चंद या बाद में गोरखा शासन और उसके बाद आए ब्रिटिश शासनकाल में यानी प्रत्येक राजकाल में उनके प्रति वफादार रहे। राजसत्ता के प्रति वफादार ये लोग पेंशन, जागीर आदि और सुख सुविधाएं लेते रहे और उन आन औलाद शाख संतान तक के लिए नौकरियां उन्होंने सुरक्षित कर ली थी। कमीनचारी, सयाना और थोकदारी भी इनके पास बराबर बनी रही और ये तीनों शासनकाल यानी पहले इधर गढ़वाल में पवार, कुमाऊं में चंद, बाद में और फिर गोरखा और फिर ब्रिटिश शासन, इन जमानों में ये प्राचीन नाम चक्रैत के बाद, इनको जो चक्रैत थे जो ये लोग, वो गोरखाली राजकाल में भले मानुष और ब्रिटिश राजकाल में सफेद पोश कहलाने लगे। अभी आगे बताऊंगा कि ये वास्तव में कौन है चक्रैत। इसमें श्रीनगर वालों को के बारे में कहा जाता है कि यहां सबसे ज्यादा चक्रैत होते थे। और ये जो इन चक्रैतों के लिए राजाओं ने अपने जो घाट थे नदी के, वो अलकनंदा के घाट में इनको नियुक्त किया और इनको घाटावार कहते थे। यानी घाटवार जो होते थे ये साथ में ये राती में ड्यूटी करने वाले ये चौकीदार भी होते थे और नगर में चक्रैत भी नियुक्त होते थे, कुछ प्रकट और कुछ गुप्त रूप से नियुक्त। गुप्त रूप से नियुक्त जो होते थे उनको नंत प्रमाण कहते थे। इनमें गांव के प्रधान, पंच, जमींदार, थान, भवन का जो भला आदमी जैसे भी इसमें शामिल होते थे। ब्रिटिश शासन में ये फिर सफेद पोश कहलाने लगे। प्रत्येक गरखा यानी पट्टी में 3-4 भले मानुष नियुक्त होते थे और जिन्हें अंग्रेजी राज आने पर अल्मोड़ा बुला लिया गया था। अब ये समझिए कि ये चक्रैत क्या थे। वास्तव में ये चक्रैत जासूस थे, जिनको आज डिटेक्टिव कह सकते हैं या जैसे यदि पुलिस में कहें हम तो पहले CID होती थी और अब जैसे दिल्ली में कहें हम तो क्राइम ब्रांच। अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है। तो ये जो जासूस थे, जैसे आज की सरकार की रॉबी है, CBI है, इस तरह की जो है IB है, ये जो एजेंसियां हैं, इसी तरह के ये चक्रैत थे, इनको चक्रैत कहते थे। और अब इनके बारे में थोड़ा आगे भी चल लेते हैं। इनका काम था राजा दीवान तक हर उस बात को पहुंचाना था, उस खबर को पहुंचाना था जो काम हो, या काम होने पर उनको इनाम इकराम ज्यादा न हो पर नौकरी लगातार चलते रहने की उनकी व्यवस्था होती थी। मतलब उनको वो हर सूचना देनी होती थी जो
उस राज सत्ता से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक थी। यह भी कहा जाता है कि उस शहर में यदि कोई भी, चाहे वो ब्रह्मचारी आ रहा हो या नगर के व्यापारी आ रहे हो या रसद पहुंचाने वाले हो या उपदेशी यानी जो दूसरे उधर वोट देश से आ रहे हो या मदेशी मतलब मैदानों से जाने वाले लोग हो या जोगी हो, जोगटा, माई, सभी पर ये लोग नजर रखते थे। इसके साथ ये लोग राज कर्मचारी, दीवानों, मंत्रियों तथा उनके मोह लगे सयाणों, सामंतों पर भी विशेष नजर रखते थे कि कहीं कोई चाल यानी षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। और चुगली मुगली कभी अफवाह बन गई तो सामंत किसी भी को भी वो यही उसको देखते थे कि ये सही है कि गलत है। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी की पुस्तक में एक जो है किस्से का उद्धरण दिया गया है, लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि श्रीनगर में एक चित्रकार कवि रहता था। गोरखानी की शुरुआत में उसे खूब सम्मान मिला, पर चक्रवर्ती ने ऐसी चुगली खाई कि गोरखा शासक ने उसकी जागीर व सुविधा भत्ता सब बंद करा दिया। कवि को नेपाल की राजधानी काठमांडू जाकर तब गुहार लगानी पड़ी थी, पर वह पुरानी संपन्नता पुनः ना पा सका। संभवतः ये मोलाराम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मोलाराम के साथ ही ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से ये जो जासूस थे वो यहाँ पे थे, और इनको चक्रेतू जो थे ये वास्तव में जासूसों को कहा जाता था। लेकिन अब समय देखिए कि कुछ दो सौ साल हुए होंगे, इनके पूरे नाम ही, इनका भाव बदल गया। यदि हम प्राचीन तौर शासन काल में जाए तो 2500 मतलब 2500 साल पहले मौर्य काल में कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में लिखा है कि रहस्य भेदन के जो प्रमुख आधार सूचना वाक होते हैं तो वे राजा की आंख है। चार चक्षुर्म ही पति, इन्हें कार्तिक यानी साहसी, उदासदिष्ट अर्थात नकली साधु तथा पंचगुण पंच संस्था वाला होना चाहिए, यह कहा गया है। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि ऐसा सूचना संग्राहक व्यक्ति को चाहिए होना चाहिए कि वह बालक, युवा, किसान, बंचारी, भिक्षु और अध्यापक पेशे की जरूरत पड़ने पर मर्यादा करे अर्थात इनका वेश और वार्ता शैली को अपनाए, वह अभिनान निपुण हो इतना कि जड़मती मूक, बधिर, किरात, बौने, कुबड़े, भिक्षु, चारण, भाट तक बन जाए, वह चवरधारी, छत्रधारी, झाड़ी, यान, वाहन धारी संपन्न लोगों और कर्मचारियों के समाचारों का संग्रहण कर स्वामी को पहुंचाता रहे। इस तरीके के से उन्होंने ये जो चकड़े थे यानी जासूस थे उस जमाने के गुप्तचर जिनको कहेंगे, उनके बारे में ये उल्लेख किया है। अब गढ़वाल की हम मैंने कहा जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो गढ़वाल राज्य के जो सबसे निकट पड़ोसी थे वो थे कुमाऊं और उस जमाने में, और फिर सिरमौर जो हिमाचल का एक सीमांत राज्य था, अब वहां का जिला है क्षेत्र, और नेपाल। और कुमाऊं में भी चंद जो राजा थे उनके जमाने में भी इसी तरह के चक्रेत होते हैं। कुमाऊं के राजा जो है अल्मोड़ा में उनका जो शासन था, लेकिन वो आमतौर पर सर्दियों के समय भाबर तराई में चले जाते थे और वहां कोटा दून इलाके में रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में यानी जब वो अल्मोड़ा से मैदानों में तराई वाले क्षेत्र में रहते थे तो राजधानी और परगना यानी थान क्षेत्र से बराबर षड्यंत्र या चाल जो भी है उनका भय बना रहता था। तो कुमाऊं में चकड़ैत और भेदियों को तब के राज्यकाल में रखा गया था और वो उनकी जो मदद करते थे वहाँ जोलिया करते थे, एक जोलिया भी कुछ तरीके के लोग होते थे। और वहाँ चकड़ैत का नीत अर्थ एक प्रबंधक भी हो गया था, वह जो बाजार की देख रेख करे, तोल बाटों की निगरानी करे, कर उगाने की जगहों पर नजर रखे और उसकी तुरंत सूचना राजा को दे या प्रशासन को दे। इन चक्रेतों के बारे में अल्मोड़ा में जो कुमाऊनी है उसमें एक और भी आती है कि खोली मित्रिया शाह इनको कहते हैं। इनमें तोल निरीक्षण होते थे, तोला शाह कहलाए जाते थे, कुछ ओखलिया शाह थे जो शायद ओखली यानी कूटने पीसने की वालों पर नजर रखते थे, जो जकाती साथ थे वे कर उगाते थे, एक साथ तमकिया भी थे, शायद तंबाकू की निगरानी वाले थे और उनका परिवार तमकिया शाह कहलाता था। इस तरह जो नाहन सिरमौर के भी चकड़ेत होते थे उनको भी यहाँ रखा जाता था। दोनों गढ़वाल और कुमाऊं के राजा इनको रखते थे। और इसके बारे में कई किस्से भी हैं कि सिरमौर के लोगों को वास्तव में इसलिए रखा जाता था कि ताकि दूर के लोग हैं तो उनका निजी आसपास में कोई रिश्तेदार भी नहीं थे तो उनका निजी स्वार्थ नहीं होता था और वो राजाओं के प्रति
समर्पित होते थे। नेपाल में भी यह प्रथा जारी थी। नेपाल जैसे गढ़वाल के चक्रवर्ती हैं, उसी तरह का कार्य करने वालों को नेपाल में बलकारा कहते थे। यह शब्द कहा जाता है कि यह शब्द जो है वहां मौर्य और गुप्त वंश के समय से पहुंचा था और ये वहां के लोकल स्तर पर बलकारा हो गया। नेपाली में जैसे गढ़वाल में और कुमाऊं में गोरखों का शासन रहा है, गढ़वाल में लगभग 11 वर्ष और कुमाऊं में लगभग 20-22 वर्ष, तो इस दौरान उन्होंने काफी दमन किया था प्रजा का। तो तब वहां के गुप्तचर कौली कौत्याल होते थे। नेपाल के 13 जोगी भी आए थे वो इसी काम के लिए। बाद में खुद यहाँ के लोग कमीन और सेनाचारी पदों के लिए जो लोग भेदिया बनने लगे थे, मतलब वही चक्रेत बन गए थे जो उनको गुप्त सूचनाएं देते थे समाज के बीच में क्या हो रहा है। नेपाल में चालों यादि षड्यंत्र से प्रचलित था और वहां पर इस तरीके से जो बलकरा जो थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। तो नेपाली शासन में ये जो गोरखों का शासन था, नेपाल तो बाद का शब्द है, पहले गोरखा शासन कहूंगा मैं, तो गोरखा शासन में उत्तराखंड में दोनों गढ़वाल और कुमाऊं में इनको भले मानुष कहा जाता था। इसके बाद जब 1815 में गोरखों की अंग्रेजों का युद्ध हुआ और गोरखे जब उनको काली नदी के पार तक भेज दिया गया, उनकी सीमा वहीं सीमित कर दी गई, तो यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया था। और अंग्रेजों को भी इस तरह के लोगों की जरूरत थी जो समाज के भीतर से उनको जानकारी देते। और ये जो लोग थे जो चकड़ेत थे, जिनका नाम अब भले मानुस हो गया था, वो अब ब्रिटिश शासन में सफेद पोश कहलाने लगे। और सफेद पोश यह कह सकते हैं कि जैसे राय बहादुर जो मैदानी क्षेत्रों में जो राय बहादुर का जो उनके पुरस्कार मिलता था, एक पद मिलता था, उनको सम्मानित किया जाता था, अंग्रेज जो देते थे ये उसी तरह के राय बहादुर थे लोग थे वो बाद में सफेद पोश कहलाने लगे। वाकिस्तान में वे चकड़े थे। यह भी कहा जाता है कि गोरखों को हराकर जब नेपाल चले गए थे गोरखे अंग्रेजों से हार के, तो जो ब्रिटिश कंपनी थी यानी अंग्रेज थे, उनको भी जो चकड़ेतों पर इस रूप में विश्वास करना पड़ा था, भरोसा करना पड़ा था। और इसलिए ज्यादातर चकड़ेतों को श्रीनगर से राजधानी जो अल्मोड़ा में भेज दिया गया था, क्योंकि जब गढ़वाल का जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसको अल्मोड़ा जो कुमाऊं मंडल था उसी का ही एक हिस्सा बना दिया गया था। तो राजधानी चूंकि उस पूरे जो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं की जो थी वो अल्मोड़ा थी शुरू में, तो श्रीनगर में जो भी चकड़े थे उनको अल्मोड़ा भेज दिया गया था। लेकिन वहां पर भी उनकी उस तरीके से चल नहीं पाई और फिर बाद में वो जो वहां पर भी उनमें वही भाव हो गया जो गढ़वाल और कुमाऊं का इस तरह का हो गया था, और बाद में उन्होंने वहां पर अपना पीछा छुड़ाना चाहा और वो दूसरों के लिए चकड़ेती करने लगे थे। तो अंग्रेजों के शासन में एक जैसे मैंने कहा कि सफेद पोशी जो थे वो जो राय बहादुर जैसे हो गए थे। तो ये जो चकड़ेतों की जो कहानी थी वो कहां से कहां तक पहुंच गई थी ये जो जासूस थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो गांव में किसी को भी कहते हैं जो ये इस तरीके से मजाक करता है, किसी की चुगलखोरी करता है, उसको कहते हैं वो तो चकड़ेत है। यह चकड़ेत भाव संभवतः इसीलिए आया था, इनको इनका अपमान करने के लिए लोगों ने, जनमानस ने इनको जो अंग्रेजों के या जो भी सत्ताधारी था जिसके प्रति वो वफादार होते थे अपने हितों के लिए, स्वार्थों के लिए, उनको चकड़ेत घोषित कर दिया था। तो ये कथा थी चकड़ेतों की। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और मेरी कोशिश है कि पूरी हिमालय बेल्ट की जो इतिहास है मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपके सामने पेश करता रहूं। मेरे लिए हिमालय हिंदू कुश यानी अफगानिस्तान से लेकर सुदूर अरुणाचल प्रदेश तक है और आगे नागालैंड की जो पहाड़ियां वहां तक भी है। धीरे धीरे मैं सभी क्षेत्रों की और सभी समाजों की जानकारी दूंगा। आप जानते हैं कि यह हिमालय लोग जो चैनल है और वेबसाइट वह हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोग, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। एक यह एक मिशन है, आप भी इससे जुड़िए, आपसे आग्रह है। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके अंतिम गीत और पहला गीत जो टाइटल सॉन्ग है हम पहाड़ वाला और नदियों के गीत, तो अवश्य सुन लीजिए, मेरे लिखे हैं। इस चैनल में अलग से इनके वीडियो हैं। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।